Bureaucracy refers to possessing of control over a group of people or activities through knowledge, power or authority. यहाँ के ऊपर जो चीज़ें काम करेंगी वो आपकी नॉलेज के एतबार से आपको वो जगह दी जाएगी, वो कुर्सी दी जाएगी, ठीक है. पावर वही अथॉरिटी जो है आपको असाइन की जाएगी कि आप ये वाला काम कर सकते हैं. मसलन मैं कहूँ कि डॉक्टर की जगह आप इंजीनियर नहीं रख सकते और इंजीनियर की जगह आप डॉक्टर नहीं रख सकते, चाहे वो जितने भी डिग्रीज लेकर आया हो बाहर से, ठीक है, FRPS और क्या क्या करके आया हो, लेकिन आप उसको नहीं रखेंगे क्योंकि आपको इंजीनियर की ज़रूरत है. तो फिर आप इंजीनियर, अगर लोकल भी होगा तो अगर वो थोड़ा अच्छा वो बिहेवियर और आपके काम का बंदा है तो आप उसे हायर करेंगे, डॉक्टर को नहीं करेंगे. तो यही वाली चीज़ यहाँ पे होती है कि नॉलेज उसकी उस एतबार से हो, पावर उसको उसी वक्त या अथॉरिटी जो है उसी वक्त असाइन की जाएगी उसको, ठीक है. नेक्स्ट जी, हाँ, इक्विटी की बात बिल्कुल जॉब के लिहाज से वो बड़ी डिफाइंड होती है और आपको पता होता है कि कौन से एरिया में सीट्स खाली हुई हैं. मसलन आपकी भी जो जॉब्स आती हैं आपने देखा होगा, अगर टीचिंग लाइन में आई हैं तो वहाँ टीचर्स ही अपॉइंट किए जा रहे होते हैं, ठीक है. और अगर जो है वो IT के डिपार्टमेंट में आई हैं तो फिर वो IT के बंदे जाएंगे वहाँ, जो है वो हैंड रिटन या इस टाइप के जो लोग हैं या जिनको इस तरह टाइप की जॉब्स हैं वो वहाँ नहीं अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई करने के अपने अपने, पुलिस वाले जो हैं जिनका रुझान होगा वो उसी तरफ जाएंगे, वो जो है मेडिकल वाले जो है वो मेडिकल की तरफ ही जाएंगे. तो ये गवर्नमेंट के जो अपने इदारे होते हैं, मखसूस इदारे होते हैं और उनसे रिलेशनशिप ज़रूरी होता है. अच्छा, इसके कुछ चीज़ें देख लीजिए कि एडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कुछ फ़ायदे भी होते हैं. देखो हर जगह हर चीज़ जो भी आपको बैन की जाती है उसके कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हम कहते हैं पहले कर लेते हैं, तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं. तो एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं. तो फ़ायदे हैं स्पेशलाइजेशन. देखो एक चीज़ आप जब करते रहो, मैं मिसाल इसमें आपको देती हूँ कि बच्चियाँ जब रोटियां पकाना स्टार्ट करती हैं तो वो पहले पाकिस्तान का नक्शा, इंडिया का नक्शा, ये सब बना रही होती हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, ऐसा ऐसा करके रोटी गोल होती चली जाती है और फिर आप बात भी कर रही हो या आप मोबाइल पे भी लगी हो या कुछ भी हो तो आप बिल्कुल सही, आपका काम बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट इसी तरह हो रहा होता है. तो ये स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज़, गाड़ी मैं बच्चों को कहती हूँ ड्राइव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो पहले ज़रा कॉन्शियस से होके, सीट पीछे लगी हुई है लेकिन वो टेक नहीं लगाएंगे, वो यूँ करके कॉन्शियस होके स्टेयरिंग पकड़ा हुआ यूँ करके गाड़ी चलाए. लेकिन फिर एक वक्त क्या आता है कि वो इतने उसके अंदर वो जाते हैं कि फिर वो फ़ोन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाथ से स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है, इन्होंने पीछे टेक भी लगाया हुआ है और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो वाला मरहला भी आता है. तो स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज़ आ जाती है. एक चीज़ जब आप एक काम बार बार करते रहते हैं और आपको पता होता है कि मुझे यहाँ बैठना है तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसकी वैसे ही पता चल जाती हैं, आप वैसे ही काम स्टार्ट कर देते हो और महारत आपके अंदर आती चली जाती है. स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये स्किल बेस्ड मैंने अभी बताया, डॉक्टर की जगह इंजीनियर नहीं कर सकते, इंजीनियर की जगह डॉक्टर नहीं, ये स्किल के ऊपर होता है आपकी कि कौन सी आपको नीड थी, किस स्किल की, वही वाली स्किल आप लेंगे. मैं कहती हूँ माली की जगह आप बढ़ई को नहीं रख सकते, बढ़ई की जगह माली को नहीं, तो वो वाली बात होती है, ठीक है. स्किल के लिहाज से रिक्रूटमेंट होती है यानी कि उनको हायर किया जाता है. अच्छा जी, प्रेडिक्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के ऊपर कोई क्रिएटिविटी नहीं चल रही, यहाँ के ऊपर एक डिफाइंड काम है, ये होगा तो ये बन के निकलेगा, ठीक है. ये बड़ा ही डिफाइंड होता है, सबको पता होता है कि इस तरह एक तरीके से काम है और इसके बाद इसके ये नतीजे निकलने, तो आप प्रेडिक्ट आसानी से कर सकते हैं पहले से कि ये होने वाला है, ठीक है. तो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है यहाँ के ऊपर. इक्वालिटी, बराबर का दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल मसावात, क्योंकि ऑर्डर में हर चीज़ चल रही होती है, हायरार्की बड़ी स्ट्रांग होती है, रूल्स बड़े रिजिड होते हैं, तो जो मैनेजर एक इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट सबके बराबर के बिल्कुल इक्वालिटी के साथ उनको जो है वो चीज़ें और जो भी तकसीम करनी है, जो भी उनको लाइबिलिटीज देनी है, जो सारा काम है, सारी अथॉरिटी असाइन करनी, वो सब सेम होगी. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ ऑर्डर के अंदर रखी हुई होती है, सिस्टम के अंदर होती है, हर चीज़ डिफाइंड होती है, SOPs बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं, ठीक है. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, रैशनैलिटी यानी वो यकल समझ का ताल्लुक जो है कि वो चीज़ समझ में आ रही होती है. ये थे इसके फ़ायदे. अब हम देख लेते हैं व्हाट आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि इसकी 5 कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ब्यूरोक्रेसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड बाई कॉम्प्लेक्सिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, परमानेंस, ठीक है. यहाँ पे जो आपकी वो मैंने बताया हायरार्की होती है, बेटा ये आपके पास पहुँचेंगी, आपके पास पहुँच चुकी होंगी, अगर आप ग्रुप में हैं, आप लोग ग्रुप के अंदर हैं तो पहुँच चुकी होगी आपके पास ये वाली स्लाइड, मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, ठीक है. और अगर नहीं है तो फिर पहुँच जाएगी इंशाल्लाह. आप ब्यूरोक्रेसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड बाई कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो है स्पेसिफिक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की और कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो हम लेबर डिवाइड कर रहे हैं या परमानेंस, वो SOPs मैंने जिस तरह बताया बने हुए हैं और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बिल्कुल उसी लिहाज से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी. प्रोफेशनल मैनेजमेंट,
अब जो मैनेजमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप की होगी, वहाँ इस तरह का नहीं होगा जैसे घरेलू सा माहौल बना हुआ या SOPs, जिस तरह मैं बार बार आपसे तस्करा कर रही हूँ ब्यूरोक्रेसी है, तो SOPs बने हुए होंगे, बड़े रिजिड किस्म के होंगे, उन्हीं को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हायरार्कियल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हायरार्की सबको पता होगी कि कौन किसको जवाब दे है, उसका बॉस कौन है, ठीक है, वो बड़ी ही उस तरीके से जो है अपवर्ड, चाहे आपकी कम्युनिकेशन चल रही होगी या डाउनवर्ड जो ऑर्डर्स आ रहे होंगे उनको फॉलो किया जा रहा होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, मैंने बताया इसमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई आपका जो चीफ है वो यहाँ खड़ा हुआ है और छोटे सिपाही से बात की जा रही है कि भाई इनसे जाके मेरा ये मैसेज पहुँचा दो, वो कहेगा नहीं, मुझे इतने मरहलों से गुजरना है तब बात इन तक पहुँच पाएगी, मैं डायरेक्ट इनसे बात नहीं कर सकता। तो ये वाली जो है स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड होगी। लीगल अथॉरिटी जो है, जो भी जिसको काम सौंपा जाएगा उसकी अथॉरिटी कानूनी एतबार से बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, लीगल होगी, और अगर वो उसको पूरा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा, लीगल का मतलब क्या है, उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। यहाँ नहीं होती ब्यूरोक्रेसी के अंदर, रूल्स को फॉलो किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पॉलिसीज़ की इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, कहीं अगर निकल आती हूँ तो निकल आती होंगी, लेकिन रूल्स इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वॉट इज़ द लार्जेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, अब ये जैसे इसमें बताते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को एक जोक सुनाती हूँ कि इसका ड्रॉबैक जो है ब्यूरोक्रेसी का, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। द इशू ऑफ टाइम इज प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी फॉलोइंग इनफ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन टेक्स टाइम, एडेड टाइम क्रिएट्स एडिशनल कॉस्ट टू ऑल हु आर इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, एडिशनल कॉस्ट आ जाती है इसके ऊपर टू ऑल हु आर इन्वॉल्व, जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं का मतलब है कि काफ़ी सारे, यानी प्रोसेस से होता हुआ। मसलन मैं आप लोगों को एक जो लतीफ़ा हमेशा सुनाती हूँ कि एक किसी के यहाँ मैटर्निटी होने वाली थी, किसी के यहाँ जो है वो बच्चा होने वाला था, उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मिला हुआ था, जिस तरह कहते हैं आसानी मिली हुई थी कि भाई आप यहाँ से आपको मैटर्निटी चार्जेस मिलेंगे। उसने एप्लीकेशन दायर की, वो एप्लीकेशन एक जगह से पास हुई, फिर दूसरी जगह से पास हुई, फिर तीसरी जगह से पास हुई, चौथी जगह, जब लास्ट जगह से उसके ऊपर साइन हो रहे थे तो जिसने साइन किया उस बंदे ने कहा कि इस वक्त ये बच्चा 1.5 साल का हो चुका होगा। तो ये जो है ये ब्यूरोक्रेसी का जो है प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, फाइलें निकालनी लगानी और फिर उन पर साइन करवाने अथॉरिटीज़ और वो सारी चीज़ें, क्योंकि हायरार्की बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे डील करना आसान नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा हमें नज़र आता है टाइम का इशू। मैक्स वेबर बिलीव दैट देयर कुड बी ओनली 3 काइंड्स ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर ये कहता है कि 3 किस्म की पावर्स होती हैं, या तो वो ट्रेडिशनल है, कैरिस्मेटिक है, या लीगल रैशनल है, ठीक है। ही वॉज अ जर्मन सोशोलॉजिस्ट एंड अ पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट और ही केम फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी द वर्कर्स कंसिडर्ड एज सर्वेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन लीडर लॉर्ड वर्किंग, ठीक है। ये लॉर्ड जो आपको अलहदा से करके बताया, इसका मतलब है कि यहाँ के ऊपर जब हायरार्की स्ट्रॉन्ग होगी तो मैंने बताया वो उससे बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये मेरा, इतने लोगों मेरे ऊपर है और उनसे ऊपर ये बैठा हुआ है, तो मैं इससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो वो लॉर्ड वाली जो कंडीशन है वो आ जाती है इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो वो जो है बाकी सारे लोग सर्वेंट्स की तरह होते हैं और वो लॉर्ड की तरह होता है। तो वर्किंग एज देयर सर्वेंट्स एंड फॉलोइंग द स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्लाइंडली, यानी अंधाधुंध कानून, जो ऑर्डर आ गए बस उसी को फॉलो करना है, तो ये वाली चीज़ होती है। कैरिस्मेटिक जब लीडरशिप होगी तो क्या होगा, कैरिस्मेटिक लीडरशिप का मैं एक मिसाल आपको पहले बता दूँ, कायदे आज़म, ठीक है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप की एक प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, कि इनके सक्सेसर नहीं होते, यानी इनकी पर्सनैलिटी, इनका पर्सोना ऐसा होता है जिसमें लोग मदगम होते हैं, बस वो हाथ यूं करके उठा रहे थे, अच्छा देखा वो हाथ कैसे यूं करके उठा रहा था, ठीक है, अगर वो इस तरह से मूव हुए तो देखो वो इस तरह से मूव कर रहा था, जैसे ये वाली जो उनकी पर्सनैलिटी का कैरिस्मा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और लोग उसी में उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल कायदे आज़म है, दूसरी एक और मिसाल भी थी, वो मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है। वो देखा लोगों ने कि वो जो है वो रोटी के चाय डुबो के खा रहे हैं, तो जो लोग बेचारे गरीब हैं या इस चीज़ से गुजरते रहे उनको तो पता है कि रोटी में चाय डुबो के खाना क्या होता है, लेकिन जो लोग ये काम नहीं करते थे उन्होंने ये करके देखा
कि हम हैं वो ये करता है रोटी में चाय देखते हैं खा के देखते हैं कैसा लगता है रोटी में चाय में रोटी डुबो के, ठीक है। तो वो होता है आपकी पर्सनैलिटी का कैरिश्मा, आप जो भी कर रहे हैं लोग उसको अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है कैरिस्मेटिक। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि कैरिस्मेटिक लीडरशिप का कोई सक्सेसर नहीं होता। क्या मतलब वो इसका कोई जिस तरह होता है कि उसकी जगह नहीं ले सकता चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो है ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और उनकी अपनी पर्सनैलिटी का कैरिश्मा होता है। फिर अगर कहना चाहें कि जी इसकी जगह इसके बेटे को बिठा दो या इसकी जगह फलाने को बिठा दो, तो वो मुमकिन नहीं होता उस जगह को फिल करना दोबारा। जिस तरह कायदे आज़म से जगह खाली हुई उसको फिल नहीं किया जा सकता, इस तरह जो इस टाइप के लीडर्स होते हैं उनसे जगह खाली होती है तो उसको फिल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है कैरिस्मेटिक लीडरशिप के साथ। अंडर कैरिस्मेटिक पावर ड्यू टू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द मैनेजर्स द वर्कर्स आर डीपली मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट ऑन द टास्क अलॉटेड टू देम, ठीक है। अब ये कैरिस्मेटिक पावर के अंदर जो होगी ड्यू टू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी का कैरिस्मा ही ऐसा होता है ऑफ द मैनेजर्स द वर्कर्स आर डीपली मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट, ठीक है। वो उसके उसमें मतलब हो के उसके लिए काम कर रहे होते हैं कि हमें इसके लिए काम करना है, ठीक है। तो वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं ऑन द टास्क अलॉटेड टू देम, जो भी उनको टास्क दिया जाता है। जिस तरह अगर उनका लीडर उनसे कह रहा होता है कि तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे चीता हो, ठीक है, तो वो चीता बन के दिखा रहे होते हैं चाहे वो इससे पहले ना हो, ठीक है। लेकिन वो उस वक्त जो है वो परफॉर्म करके वो दिखा रहे होते हैं अपने लीडर के लिए। हाउएवर दिस कैरिश्मा मे फेड अवे विद द मैनेजर्स ले ऑफ रेजिग्नेशन और डीमाइज, ठीक है। ये कैरिश्मा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। किस वजह से? या तो वो ले ऑफ पे चला जाए, ले ऑफ का मतलब है थोड़ी सी छुट्टियां ले ले, ठीक है। वो ले के बाहर बैठ जाए कहीं कि अभी मैं थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो वो सामने से थोड़ा सा हट जाए, आपके लीडरशिप से हट जाए, ले ऑफ ले ले, रिज़ाइन कर दे, या फिर क्या हो कि उसको हटा दिया जाए, ठीक है। ये तीन कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये लीडरशिप ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी लीगल रैशनल, यानी कि जो अथॉरिटी आपको असाइन की गई थी वो वाली। तो वो क्या होती है? इन लीगल रिलेशन पावर द वर्कर्स आइदर नीड टू अबाइड बाय द लीगल रूल्स और द नेचुरली एप्लीकेबल लॉज, जो लॉ उनके ऊपर लागू कर दिए गए कि ये वाली पोस्ट के ऊपर ये बंदा बैठा है तो आपने उसको ऐसे ओबे करना है, तो आपने ओबे करना पड़ेगा चाहे आप उसको पसंद कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाले लीगली हो गए। इन शॉर्ट ऑल द एम्प्लॉय नीड टू फॉलो अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी अगर शॉर्ट करके कहा जाए तो यही है कि एम्प्लॉय नीड टू फॉलो अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स को हर हालत में फॉलो करना है। डिसएडवांटेज आपके क्या क्या हो सकते हैं? कुछ अभी बताए थे आपको, वन वे कम्युनिकेशन, एक तो ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होते हैं, इस किस्म की जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके ऊपर से ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला मसला होता है, वन वे कम्युनिकेशन होती है मतलब टू वे नहीं होती, टू वे का मतलब नीचे से भी जा रही है कोई बात तो वो मुश्किल से पहुंच पाती है, जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल आपको दी थी, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, ये वाली बात कि पावर का नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल जिसे हम कहते हैं वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। तीसरी बात है वेस्टेज ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड मनी, ये वाला लतीफ़ा याद रख लेना इसके लिए, ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा इसके याद रखने के लिए। डिलेइंग बिजनेस डिसीशन मेकिंग, बिजनेस डिसीशन मेकिंग में इसी वजह से डिले होता रहता है कि वो एक से दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं और वो अप्रूव करके देगा, वो फाइनल करेगा, वो इस तरह से ये वाली चीज़ आती है। और इस चीज़ को हम ये कहते हैं रेड टेपिज़म, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो रेड टेपिज़म, उर्दू में बोलेंगे तो लाल फीता, ठीक है। लाल फीते में फाइलें लपेटी और रख दिया, अब उनकी फाइल्स के ऊपर फाइल्स बनती चली जाती हैं, तो ठीक है। तो इंग्लिश में जब ये वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसे कहते हैं रेड टेपिज़म, यानी कि लाल फीते के अंदर लपेटा आपने और वो फाइल्स को रख दिया, अब वो निकलेगी बड़ी मुश्किल से निकलेगी। कैसे निकलेगी? हाइंडर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यहाँ के पास क्रिएटिविटी आपको कम कम नज़र आती है क्योंकि इसका मौका मिल नहीं पाता, ऑर्डर्स को फॉलो करना ज़्यादा चल रहा होता है, तो इसलिए इनोवेशन भी नहीं हो पाती थी। इन्वेंशन और इनोवेशन में फ़र्क क्या होता है? हाँ, चीज़ कोई पुरानी है उसमें आप जिद्दत लेकर आए, कोई नई चीज़ लेकर आए, जिस तरह मैं फ़ानूस की और उसकी मिसाल देती हूँ कि वो पुराना था, आपने पहले उसके अंदर वो वाली लगाते थे जो लाइट्स थी, कौन सी? येलो वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेवर्स आए, वो लग गए। सेवर्स के बाद क्या हुआ कि आप LEDs आए तो वो LEDs लग गए, तो वो इनोवेशन होती रहती है। बैंक्स की मिसाल सबसे अच्छी आती है आपकी, पहले कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर कौन से किस किस प्रोसेस से होकर गुजरा, प्लास्टिक मनी आई, ठीक है, फिर आपके पास एप्लीकेशन आई, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चेंज होता गया। हाइंडर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो ये जो है ब्यूरोक्रेसी, ये इतनी ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी इसके अंदर हो नहीं पाती। इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड मेथड्स, वजह यही है कि इनफ्लेक्सिबल यानी कि रिजिड मेथड्स बहुत ज़्यादा
लॉ को बहुत ज़्यादा आपने फॉलो कराया हुआ है, और कोई पॉलिसीज़ वगैरह जो जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती वो चीज़ें गुंजाइश आपने रखी हुई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये बात याद रख लेना, ठीक है जी। Disadvantages of bureaucracy, the imparts a lack of flexibility and can often lead to inefficiency, bureaucratic delays, ठीक है, inefficiency आ जाती है, अब efficient नहीं होगा। वो बच्चे वाली मिसाल वही आ गई कि वो अगर टाइम पे होता तो फिर उसको टाइम पे मिल जाता पैसा, लेकिन वो जो है वो फाइलों में साइन होते होते बड़ा टाइम लग गया, bureaucratic delays हो जाते हैं। The complicated set of rules in a bureaucratic system often causes long delays, बड़े बड़े delays हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन आ जाती है। और ये देखो, अगर ये बात आपको पढ़ाई जा रही है तो ये मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ये इंटरनेशनल वे की बात हो रही है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में यही होता है। ये मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊँ कि मैं यही पढ़ा रही हूँ, ICMA में भी यही हम पढ़ाते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी पढ़ा रहे होते हैं, मैनेजमेंट पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी पढ़ा रहे होते हैं, तो यही चीज़ है कि वहाँ बताया जाता है कि ये वाली चीज़ आ जाती है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, कि आप अब आपको वो फाइल निकालनी है जो रेड टेपिज्म का हिस्सा बन गई, तो कैसे निकालोगे, चाय पानी, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ वो जो है वो इस तरह से हो जाती है चीज़ें, तो ये आ जाती है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ सिर्फ हमारे यहाँ का मसला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ड्रॉबैक हो चुका है, हर जगह का मसला यही है, करप्शन इन द हायर रैंक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैन बी वेरी डिजास्टरस टू द इकोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वॉट इज एल्टन मायो, एल्टन मायो आ गए, इनके बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि मैनेजमेंट का जो सिलसिला चलता रहा उसमें ये आए, और अभी तक मैनेजमेंट में हाँ क्या नहीं आई थी, रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये आए इन्होंने, एल्टन मायो ने रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ जो है मेंटोरशिप और ये चीज़ जो है आपकी, ये सबसे ज़्यादा आपको इस तरफ रागब करती है कि आप अपनी मैनेजमेंट को अच्छा बना सकते हैं अगर आप ये रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। एक होता है डंडा बरदार जो बॉस होता है, वो कौन होता है, कोअर्सिव लीडर, नाम याद कर लो, मैं आपको नाम के हवाले से बता रही हूँ, कोअर्सिव, कोअर्सिव का मतलब होता है पहले वो कोई बुरी सी बात बोलेगा, मसलन गाली देगा और फिर आपसे काम करवाएगा, ठीक है, तो वो होता है कोअर्सिव लीडर। और आप पूछेंगे कि मिस क्या ऐसे होते हैं, क्या लीडर्स ऐसे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं बता दूँ कि जी हाँ लीडर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोअर्सिव लीडर्स कहलाते हैं, लेकिन दूसरी तरह के लीडर्स भी होते हैं, जिस तरह कैरिस्मेटिक लीडर अभी आपने पढ़ा था, और इसी तरह से और लीडर्स भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह, यानी उसकी हमने हयात ही बदल दी, पूरी ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इस तरह के लीडर्स भी होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं। और एक होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स, यानी जो ट्रांजैक्शंस वहाँ के ऊपर हो रही होती हैं उनके थ्रू, अगर अच्छा काम किया तो जजा मिलेगी, अगर बुरा काम किया तो सजा मिलेगी, पनिशमेंट होगी, तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर्स कहलाते हैं। तीन चार किस्में हैं लीडर्स की आपकी, एक होते हैं रिफ्रेंट लीडर्स, ठीक है, रिफ्रेंट कौन से होते हैं, जो रेफर करते हैं, जो अपनी क्वालिटी के थ्रू आपको नजर आता है कि वो आपको अपनी क्वालिटी, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो आपको दिखा रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो जो है अपनी जगह बना रहे होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ लीडर्स होते हैं, कौन किसको, कैरिस्मेटिक लीडर्स को उर्दू में क्या बोलेंगे, कैरिस्मेटिक ही बोलते हैं, मुझे उर्दू का इतना नहीं आइडिया, इंग्लिश में ही पढ़ा था मैंने, यही याद किया है, ठीक है, कैरिस्मेटिक लीडर्स किसका, रिफ्रेंट लीडर्स जो होते हैं वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के ज़रिए से जो है रेफर करना, वैसे इसका मतलब होता है, लेकिन वो खुद अपने आप को मनवा रहे होते हैं, ज़ाहिर उनकी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, किस तरह से डील कर रहा है, हाँ वो डील कैसे कर, वो दूसरों को नज़र आ रहा है तो वो रेफ़र कर सकता है, वो इस तरह की चीज़ें, रेफरेंट, रेफर से है ये, ठीक है, तो वो इस तरह से वो रेफर कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, ये आए जब इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप की थ्योरी डेवलप की, द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एल्टन मायो कैन हेल्प यू बिल्ड मोर प्रोडक्टिव टीम्स, इन्होंने कहा कि आप मोर प्रोडक्टिव टीम्स बना सकते हैं, यानी टीम्स का कॉन्सेप्ट दिया कि आप टीम्स बना सकते हो और वो मोर प्रोडक्टिव हो सकती हैं, कैसे, आप उनके लीडर्स ऐसे पैदा कर दो जो उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें, अब वो उनका मेंटोर है, अब वो उनका भाई है बड़ा, अब वो उनका बाप है, अब वो उनका कौन है, एक अच्छा यानी साथी है जिसके लिए उन्होंने काम करना है। तो मायो मैनेजमेंट थ्योरी स्टेट्स दैट एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड फार मोर बाय रिलेशनल फैक्टर्स सच एज अटेंशन एंड कैमेडरी देन बाय मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइटनिंग या ह्यूमिडिटी। उसने कहा कि बाज़ औक़ात ये लाइटनिंग और ह्यूमिडिटी जो है ये भी कोई आड़े नहीं आती, जो उस दिन की गई थी, जो तजुर्बा मैंने आपको बताया जनरल इलेक्टिव वालों ने किया था,
उस दिन, तो उसने कहा कि ये भी किसी चीज़ में आड़े नहीं आता, ना लाइटिंग आड़े आती है, ना दूसरी चीज़ें जो रुकावटें यानी डाली जाएंगी या होती हैं चैलेंजेस, जिसे हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस जो होते हैं। देखो जब भी कोई काम शुरू होता है, जब भी कोई काम लीडर कोई भी लेके शुरू करता है, तो हमेशा याद रखना इतना आसान नहीं होता कि आपने सोचा, आपने दिमाग में आपके विजन आया, आपने मिशन आया और आपने लिया और आप शुरू हो गए और सब कुछ सीधी सीधी होती चली जा रही है, सब कुछ काम होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने ये शेर पढ़ा ना कि ये तो उड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, क्या ये रुके बाद मुखालिफ से ना घबराए उखाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है कि ये जो आपके मुखालिफ से उनकी हवाएं चल रही हैं, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि आपका हिम्मत हौसला और ज़्यादा बुलंद होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपना रास्ता खुद बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनर होता है, हमारी जो है कि हम किस तरह उसको जगाना है और फिर वो चैलेंज कबूल करते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो जब भी कोई बिज़नेस शुरू करेगा, जब भी हम ये बिज़नेस स्टडीज़ करते हैं और ये काम करते हैं, तो हमेशा याद रखना हर चीज़ इतनी ईजी नहीं होती, इतनी आसान नहीं होती। हमने सोचा और हो गया, कौन फयकून वाली मंजिलें नहीं होती हैं यहाँ के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको लानी पड़ती हैं, ये मंजिलें आती हैं, लेकिन वो आपको कुछ देना भी पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अपनी जो बहुत सारी जो अपनी पावर्स हैं, अपनी चीज़ें वो लगानी पड़ती हैं, फिर आप उन मंजिलों से गुजरते हैं। तो बायो मैनेजमेंट थ्योरी दैट एम्प्लाइज आर मोटिवेटेड फार मोर बाय रिलेशनल फैक्टर्स सच एज अटेंशन एंड कमेरेडरी। ठीक है, अटेंशन बंदा चाहता है कि मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, ठीक है, मेरी बात को कंसीडर किया जाए, बॉस ने मेरी बात सुनी। ठीक है, मैंने इससे कहा था ना कि ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, देखा उसने ये काम किया, ऐसा किया तो ये जो है ये उसने मेरी से और मेरा नाम जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख के लगा दिया कि एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, इस तरह करके तो मेरी पहचान हुई। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए लोग काम कर रहे होते हैं, लोग चाह रहे होते हैं कि मुझे इस तरह जाना जाए, मुझे इस तरह पहचाना जाए। तो ये चीज़ जो डेवलप होती है, ये रिलेशनशिप वो कह रहे हैं पैसे से ज़्यादा होती है और इन चीज़ों से ज़्यादा होती है कि आप उसको मुश्किलात उसके लिए या रुकावटें इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मायो सेरी, मैं इसमें वही मिसाल आ रही है, मेरे पास वो मिसाल आती है, मैं फिर भी आप लोगों को देती हूँ कि एक लीडर हमारे ऐसे भी, जब वो क्रिकेट टीम में आते थे तो उनके लिए अखबारात में ये लिखा गया कि ये मुर्गी के जो पर होते हैं उसमें, जिस तरह चूज़ों को वो अपने छुपाती है, इस तरह छुपा के अपने प्लेयर्स को लेके वो टीम में उतरा कर देती है। और फिर वो कहते थे जब वो अंदर अगर कोई देख रहा होता था या बात कर रहा था, तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे चीते हो, तो वो उस वक्त वो कहते हैं वो बिल्ली भी होता था तो वो चीता बन के निकलता था, सामने आता था और वो चीता बन के दिखाता था। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन जो होती हैं लीडर में, एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो निकाल के खड़ा कर सकता है यहाँ पे और वो दिखा सकता है, वो बना सकता है। तो ये रिलेशनशिप डेवलप करने की वजह से होगा, यानी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लीडर्स आ जाएँ, इसका मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे रन कर सकती है, ले के चल सकती है, जिसे चलना आना चाहिए। और यही वजह है, मैं मिसाल देती हूँ आपको कायद आज़म की, अगर मैं मिसाल दूँ तो आपको लगता है कि एक सूखा सा ऐसा बंदा, यानी कि जो आप ऐसा, और उसने क्या किया, दुनिया का नक्शा बदल दिया, अकेला खड़ा होकर। ठीक है, एक मरतबा क्या वो बैठ गए थे ना, वापस चले गए थे, किसी और लीडर ने उनको देखा और परसू किया, किसने देखा, ठीक है, अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल को कहा जाए कि वो लीडर नहीं थे, वो भी लीडर थे, उन्होंने शायरी से, मैंने अभी एक शेर पढ़ा, उन्होंने शायरी से अपना वो लीड कर रहे थे, लेकिन उनकी लीडरशिप किसी और तरह से थी। ठीक है, वो अपनी शायरी से बेदार कर रहे थे जहनों को, अपनी शायरी से वो दौरान खून, जोश, मारता हुआ ये कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह के लीडर नहीं बन सकते थे। उन्हें पता था जो जिना में क्वालिटी मौजूद है, जो जिना बन सकता है, ठीक है, वो उन्हें पता था कि वापस लेकर आना है, अभी चला गया है, अब ये वापस इसे लेकर आना है, इसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि ये दुनिया का नक्शा बदल सकता है। वो आए फिर, और फिर उन्होंने, उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने मोटिवेट किया अल्लामा इकबाल के साथ, लेकिन ये इस तरह के, वो कहते हैं हीरे की परख जौहरी देख लेता है, तो वो जौहरियों में से थे एक अल्लामा इकबाल, वन ऑफ देम। तो फिर वो आए, उन्होंने उनको खड़ा किया और फिर आपने देखा कि किस तरह से कायदे आज़म ने नक्शा बदल डाला। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है। तो ये जो ये वाले लीडर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है। मायो थियरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द डाटा एंड हॉथरॉन स्टडीज, मायो प्रपोज दैट एम्प्लॉयज आर एंड दैट मोटिवेटेड बाई पे एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंस्टेड पॉजिटिव रिलेशन फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल, बिगर रोल इन प्रोडक्टिविटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्किंग कैन नॉट बी ओवर स्ट्रेड। ठीक है, ये जो अहमियत है ग्रुप वर्किंग की, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्किंग कैन नॉट बी ओवर स्ट्रेस, इसको आप ओवर स्ट्रेस नहीं कर सकते। मिलजुल के करने का जो काम होता है, जो टीम वर्किंग होती है, जो वो कह रहा होता है कि मुझे उसके लिए काम करना है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ होती है आप दिलों से खींच के नहीं निकाल सकते बाहर। ठीक है,
ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया तो बंदा ने अब करना है और करके दिखाना है कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ वो अमूमन होता यही है कि सीट मिल जाती है तो लोग सीट के लिए काम कर रहे होते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते। तो वो वाली उसने चीज़ कही है कि अगर लीडर्स ऐसे होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आपकी कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें काम करवाना आता है, उन्हें पता है कि मैं इस बंदे को ऐसे डील करूँगा तो ये इमोशनली इस तरीके से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए केयर करेगा। और यही वजह है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द आपको नजर आती हैं। आप जो डिग्रीज हासिल करते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद, आप चाहते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करें, ठीक है। क्योंकि क्यों? क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह दिया जाता है या इस तरह का सलूक किया जाता है। जैसे अभी मैं एक और जगह भी पढ़ा रही थी तो वहाँ के पर एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर था नॉर्डस्ट्रॉम, अमेरिकन डिपार्टमेंटल स्टोर है, और वहाँ के ऊपर उन्होंने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ ही नहीं बोलते, वो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये हमारे एसोसिएट्स हैं, ठीक है, हमारे एसोसिएट। एसोसिएशन एसोसिएट होने का मतलब क्या है कि इसको काफ़ी सारी पावर्स मिल गई, अब ये अपने फैसले खुद कर सकता है। मसलन मिसाल दे दूँ मैं कि एक एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की मैंने जैसे मिसाल दी, तो एक एम्प्लॉय ऑफ द वीक वहाँ के ऊपर लगा नोटिस बोर्ड के ऊपर, और वो क्या था, एक खातून आई और उन्होंने शूज़ खरीदे हुए थे कहीं और से, ठीक है, वो आई और उन्होंने उस सेल्समैन समझते हो, बिल्कुल जो छोटा जो एक डील कर रहा होता है लोगों से, जो डील कर रहा है वो, उसके पास वो गई और उन्होंने कहा कि मैंने फलानी दुकान से ये शूज़ ख़रीदे हैं और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है और मुझे इस किस्म का, सिर्फ ये मेरे साइज़ में छोटा हो गया है, मुझे इस टाइप के शूज़ चाहिए हैं। तो वो उसने डिब्बा लिया और रख लिया। औरत ने कहा ये आपकी दुकान से नहीं लिए मैंने, उसने कहा आप बेफिक्र रहें, आप जाइए और आपको जो पसंद है ये शूज़ अवेलेबल हैं, यहाँ से ले लीजिए, ये कर लीजिए। अब मैंने कहा हमारे यहाँ का कोई स्टोर होता तो फिर क्या होता, उस एम्प्लॉय को निकाल देते, तुमने इतने महंगे शूज़, अब इस शूज़ के पैसे तुम दोगे, ठीक है। अगर वो 1,500 रुपये के कहीं से भी फर्श कर लो एक दुकान से लिए थे उन्होंने, जितने के भी लिए थे वो शूज़ वो लेकर आई थी उनके पास, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे उसने दिए होंगे, खर्च किए होंगे, वो पैसे उसके बदले वो फ्री में उनको शूज़ दे रहा है, ठीक है, और अपनी दुकान से दे रहा है, वो शूज़ का डिब्बा लेके रख लिया जिसके ऊपर अपनी दुकान का नाम भी नहीं है और वो डिज़ाइन भी अपनी दुकान का नहीं है। तो वो दुकान वाला मालिक क्या कहेगा कि तुमने बगैर मेरी मर्ज़ी के ये काम कर लिया, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नॉर्डस्ट्रॉम वे में ऐसा नहीं होता था, उन्होंने जो ये जो रिश्ता जो हम रिश्ता डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने एसोसिएट बना लिया था, फैसले की पावर दे दी थी अपने सेल्समैन को, ठीक है, यानी उनका सेल्समैन जो है वो उनका एसोसिएट है और वो फैसला कर सकता, उसने कंपनी के बिहाफ पे फैसला किया, उस औरत को ये बनाया। अब उस एक औरत उन्होंने डेवलप नहीं की, उस औरत की जगह कितनी डेवलप हो गई, वो जहाँ जाएगी अपनी बहन के पास जाएगी, अपनी फ्रेंड के पास जाएगी, फलां के पास जाएगी, अपने शोर के पास, जिसके पास भी वो जाएगी वो बताएगी कि फलां शोर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कितने उन्होंने कस्टमर क्रिएट कर लिए, ऐसा किया, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से उसका नाम बोर्ड पे आया और उसको एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जो भी इस तरह की चीज़ें उनको मिली। तो वो कहते हैं कि जब हम पावर्स देंगे, जब हम एक दूसरे पे एतमाद करना, ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद इस तरह के नताइज बरामद होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये वाली चीज़ जो है ये कहता है कि अपनी रिलेशनशिप बेटर कर लो तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए कोई पैसा, कोई यानी इस तरह का मोटिवेशनल टूल, इस तरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका काम पहचाना जाए, आपका नाम पहचाना जाए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत से लोगों के लिए कि मेरी बात मेरे बॉस ने मानी सुनी, ठीक है, मैंने जो काम किया मुझे अप्रिशिएट किया गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत होती है। What did Adley speaking Adil Mayo's management theory promotes the hypothesis that workers are motivated by social and relational forces more than financial or environmental conditions. ठीक है, environmental वही वाली आ गई कि बहुत सारी ऐसी अच्छी बुरी चीज़ें आपके environment में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो सिर्फ लाइट ही नहीं होती, लाइट तो एक मिसाल थी, यानी इस लाइट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, कभी कभार नेगेटिव ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को लेते हुए जब वो आगे बढ़ता है, वो इन चीज़ों के हवाले से कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ मुझे उस पर भरोसा है और उसे मुझ पर भरोसा है, ठीक है, अब इस चीज़ के तहत, इस एतबार के तहत जो है वो काम होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग के तहत जो है वो काम होगा, तो इसके तहत काम होता है। हाइपोथेसिस दैट वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय सोशल एंड रिलेशनल फोर्सेस मोर देन फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट होल्ड्स दैट मैनेजर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज यूनिक इंडिविजुअल्स रादर दैन इंटरचेंजेबल कॉग्स इन अ मशीन। पहले जो काम हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था,
चेंजेबल कॉक्स की तरह से लोगों को जो है वो समझा जा रहा था। एक पुर्जा निकाला, नट बोल्ट निकाला, फेंक दिया, दूसरा उसकी जगह लगा लिया, इस तरह से लोगों को समझा जा रहा था, इंसानों को डील किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस थ्योरी के आने के बाद, ठीक है, रिलेशनशिप की थ्योरी के आने के बाद अब जो है वो लोगों को इस तरह से नहीं समझा जाएगा। जी 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 ये बायो रिकग्नाइज द इन एडिक्वेसीज ऑफ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। मायो इज नोन फॉर हैविंग एस्टैब्लिश्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट टुडे इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आजकल के ज़माने में ये चीज़ किस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है सीएसएस का, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के भी चैप्टर जो हैं, इनफैक्ट तीन बुकों से जो है ये आपका पूरा जो है सिलेबस वो कवर करता है, जिनमें से एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से। पूरी बुकें नहीं है, मैं बता दूँ, इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान सा है ये कोर्स आपका। इसमें से खास है मैं आपको सिलेबस शेयर करूंगी, और सिलेबस में जो सवाल रिपीटेड होते हैं वो भी मैं बता दूंगी। सिलेबस भी काफ़ी आपको देखने में लगता है कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है, उसमें से भी चंद चीज़ें जो बार बार रिपीट होके आती हैं, ठीक है। तो उनमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, वो चाहो तो ना करो, तुम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पोर्शन कर लो तो भी तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मायो इज नोन फॉर हैविंग एस्टैब्लिश्ड एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट टुडे इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। व्हेन ही गेव क्लोज अटेंशन टू द ह्यूमन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, मायोज वर्क हेल्प टू ले द फाउंडेशन फॉर द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ वर्क प्लेस मोटिवेशन। अब मैंने कहा साइकोलॉजी के हवाले से इसका नाम था, अब ये इसके ऊपर काम कर रहा था, इसने वहाँ के ऊपर ये मौजूद था जब इंटरव्यूज लिए जा रहे थे, कहाँ, जनरल इलेक्टिक के जब इंटरव्यूज लिए जा रहे थे। जनरल इलेक्टिक में क्या हुआ था, हॉथरॉन स्टडीज थी ना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हॉथरॉन स्टडीज क्या थी, वहाँ के ऊपर जनरल इलेक्टिक वाले गए थे अपने बल्ब के लिए, और उन्होंने कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तीन कमरे बना के, तीन मुख्तलिफ कमरों में हम काम करवाएंगे, लाइटें कभी ज़्यादा फेंकेंगे कभी कम फेंकेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि नतज क्या निकले। लाइट कम होगी तो डेफिनेटली लोग काम नहीं करेंगे, लाइट ज़्यादा होगी तो वो काम करेंगे। उनकी अपनी बल्ब बनाने की इंडस्ट्री थी, वो उसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे थे, और उसमें से उसने ये नतीजा निकाला एल्टन मायो ने कि ये जो है ये एक कमरा जिसमें अंधेरा था लोगों ने काम किया, क्यों काम किया, उनका जो लीडर था उसकी वजह से उन्होंने काम किया, अंधेरे में भी किया, करके दिखाया, अपना टास्क पूरा करके दिखाया, ये इसने यहाँ पे नतीजा निकाला। फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ वर्क प्लेस मोटिवेशन, ये पहला आदमी था। ही एम्फसाइज दैट अलॉन्ग साइड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस देयर एग्जिस्ट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल। जो फॉर्मल होता है वो तो आपको पता है, मैंने पूरी हायरार्की बता दी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप उसका फाइल खोलते हो तो ऊपर ही सबसे पहले जो है वो जॉब डिफाइंड होती है, हायरार्की पूरी बनी हुई नज़र आती है, एक सीईओ होगा, नीचे उसके इतने लोग बैठे हुए होंगे, उसके नीचे इतने मैनेजर्स इतने, और इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा आपके सामने आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ इनफॉर्मल भी होना चाहिए। इनफॉर्मल का मतलब है बातचीत, कम्युनिकेशन आसान हो जाए। मैं जो बॉस के डायरेक्ट कमरे में पहुंच गया, उससे बात कर ली, ठीक है, उसको बता दिया, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने कहा फलाने के पास चले जाओ उससे बात कर लो, फलाने मैनेजर के पास चला गया उससे बात कर ली, तो ये कम्युनिकेशन ईजी होनी चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल थोड़ा सा स्ट्रक्चर अंदर, जो फॉर्मली जो पेपर्स में जिस तरह दिखाया हुआ या लिखा हुआ है उस तरह का ना हो, बल्कि इनफॉर्मली मैं इसके पास जाने में आसान हूँ, मैं इससे बात कर सकता हूँ, ये मुझे आइडिया दे सकता है, ये मेरी हेल्प कर सकता है, तो इनफॉर्मली थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कुछ हिस्सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद, ये उसने कहा। वॉट इज़ मायोज ह्यूमन रिलेशंस थियरी। मायो इंट्रोड्यूस द ह्यूमन रिलेशंस स्कूल ऑफ थॉट विच फोकस ऑन मैनेजर्स टेकिंग मोर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द वर्कर्स, ट्रीटिंग दैम एज पीपल हु हैव वर्क वाइल्ड ओपिनियंस एंड रियलाइजिंग दैट वर्कर्स इंजॉय इंटरेक्टिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना जो है वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वॉट डिड एल्टन मायो डिस्कवर फ्रॉम द हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, क्या डिस्कवर किया था ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। एट द हॉथरॉन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ही डिस्कवर्ड दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज थ्रू एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीशंस रादर दैन थ्रू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, उनको पैसा दिखा दिया, उनको इस तरह की कोई चीज़ दे दी, हम आपको तरक्की कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे, इस तरह से ज़्यादा वो जो है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा डेवलप कर लें। अर्लियर थियरीज
एंड मायो व्यूज, इससे पहले की जो थेरीज थी मायो के व्यू क्या थे, बिफोर एल्टन मायो द प्रीवेलेंट मोटिवेशनल थेरी फॉर वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी वॉज फ्रेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थेरी मौजूद थी इससे पहले. ग्रुप वर्किंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्किंग कैन नॉट बी ओवर स्ट्रेस, इट इज द ग्रुप दैट डिटर्मिन्स प्रोडक्टिविटी, नॉट पे एंड नॉट प्रोसेसेस. दिस थेरी प्रपोज दैट एम्प्लॉयज वर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय पे. जो साइंटिफिक थियरी थी इसके थ्रू क्या था, इस थियोरी ने कहा था कि पे के थ्रू उनको पीस रेट स्ट्रक्चर उसने दिया था. साइंटिफिक थियोरी में याद है साइंस के हवाले से वो कहता था कि जितने ज़्यादा उनसे कहोगे कि ज़्यादा काम करके निकालेंगे उतना उनको पैसा दिया जाएगा. तो ये इसने कहा था पे के थ्रू मोटिवेट किया जा सकता है. वर्कर्स वर जनरली थॉट ऑफ एज लेजी एंड ट्रीटेड एज जस्ट अनदर पीस ऑफ इक्विपमेंट. इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि अगर कोई लेजी हुआ ये काम नहीं कर रहा है तो उसको निकाल के फिर दूसरा उसकी जगह हायर कर लिया जाएगा. तो इस तरह का था. मायो प्रपोज दैट एम्प्लॉयज आर एंड दैट मोटिवेटेड बाय पे एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इससे पॉजिटिव रिलेशन फैक्टर्स प्ले अ बिगर रोल इन प्रोडक्टिविटी. ठीक है, बार बार आपको यही बता रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है.